Assalamu alaikum dear students, today we will discuss zoology CSS past paper 2024. So isme sabse pehle hum question jo first question hai usko detail se discuss karte hain. How does homology contribute to mapping phylogeny through a nested hierarchy of characters, and how do sciences use it to understand the evolutionary history of organisms? ठीक है, पहले हम होमोलॉजी देखते हैं कि क्या है. होमोलॉजी दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी दैट रेफर्स टू द सिमिलैरिटी बिटवीन जीन्स और ट्रेट्स इन डिफरेंट स्पीशीज ड्यू टू देयर शेयर्ड एंसेस्ट्री. होमोलॉजी क्या है? बायोलॉजी के अंदर वो कॉन्सेप्ट है जिस जो कि सिमिलरिटीज बताता है ट्रेट्स और जीन्स के दरमियान डिफरेंट स्पीशीज में उनके शेयर्ड एंसेस्ट्री की बुनियाद पर. सो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइलोजनी को मैप करने में. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो कि ऑर्गेनिजम्स के अमंग होता है उसको मैप करने में के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे इसने जो है साइंटिस्ट को एक एविडेंस प्रोवाइड किए हैं जिसकी बुनियाद पर साइंसिस ने एक नेस्टेड हायरार्की का एक करेक्टर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है. और इस जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ जो है ऑर्गेनिज्म की इस नेस्टेड हायरार्की ऑफ करेक्टर से अंडरस्टैंड किया जा सकता है. सो नेस्टेड प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ करेक्टर्स क्या है? होमोलोगस ने जो है ये ट्रेट्स जो है ये इसी सिस्टम को फॉलो करती है, मीन के नेस्टेड हायरार्कीकल पैटर्न को फॉलो करते हैं अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सो इट मीन दैट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने रिसेंट कॉमन एंसेस्टर्स शेयर करते हैं, एंड जो इससे ज़्यादा जो होमोलोगस ट्रेट्स हैं वो कॉमन होती हैं उनसे शेयरिंग से जो कि ज़्यादा डिस्टेंस एंसेस्टर्स के वजह से होते हैं. मीन के डिस्टेंस एंसेस्टर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है उससे ज़्यादा जो रिलेशनशिप कॉमन एंसेस्टर्स में पाया जाता है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा क्लोज होती हैं, ज़्यादा सेम होती हैं. सो बाई कंपेयरिंग ट्रेट्स अक्रॉस मैनी स्पीशीज साइंसिस क्रिएट हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन शेयर्ड होमोलोगस करेक्टर्स सच एज लीनियन टैक्सोनॉमी. ठीक है, जिस तरह से लीनियस की टैक्सोनॉमी का एक सिस्टम है वो भी होमोलोगस करेक्टर्स की बुनियाद के ऊपर है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ होमोलॉजीज को. टाइप्स ऑफ होमोलॉजीज कौन सी हैं? होमोलॉजी जो है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जिनमें मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस हैं, मीन के डीएनए है, प्रोटीन्स है, इसके अलावा फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें बोन्स और ऑर्गन्स और डेवलपमेंटल पाथवेज हैं. फॉर एग्जांपल जिसके सिमिलरिटी फोर लिम्ब स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है अमंग मैमल्स लाइक ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं. सो दैट इज कंसीडर्ड होमोलॉजस ड्यू टू देयर शेयर्ड एंसेस्ट्री. इस तरह की शेयर्ड एंसेस्ट्री जो है वो टेट्रापॉड्स के अंदर भी होती है. सो नेक्स्ट होमोलॉजी और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस को डिस्कस करते हैं. तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है वो इन्वॉल्व होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिकंस्ट्रक्ट करने में अमंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन शेयर्ड होमोलोगस ट्रेट्स. सो जो रिसर्चर्स हैं वो मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंटल डेटा को यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्रीज को जो है इन्फर करने के लिए. सो जो ब्रांचिंग पैटर्न है अमंग स्पीशीज के अमंग जो पाया जाता है वो इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो होमोलोगस जो करेक्टर्स हैं वो मैप्ड होते हैं ऑन टू फाइलोजेनिक ट्रीज आइडेंटिफाई करने के लिए जो शेयर्ड ड्राइव्ड ट्रेट्स होती हैं, और ये जो हैं ट्रेट्स डिफाइन करते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स को जो कि कंसिस्ट होता है जेनेटिक स्पीशीज और इनके रिलेटिव्स के ऊपर. नेक्स्ट हम होमोलॉजी वर्सेस एनालॉजी को देखते हैं. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोलॉजी एंड एनालॉजी बिकॉज जो ट्रेट्स सिमिलर हो सकते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से शेयर्ड एंसेस्ट्री के कंपेयर अगर हम उसको करें तो. सो जो होमोपैलेसी है वो कॉम्प्लिकेट कर सकती है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस को एज इट मे बी लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन अबाउट एवोल्यूशन रिलेशनशिप अगर इन कन्वर्जेंट ट्रेट्स मिस्टेकली इंटरप्रेट हो जाए मीन के जैसे कि होमोलोगस के तौर पर. सो रिसर्चर्स जो हैं वो मेरे वेरियस मेथड्स यूज करते हैं जिस तरह के फाइलोजेनेटिक रेफरेंसेस हैं मीन फाइलोजेनेटिक इन्फेरेंसेस एल्गोरिथम और स्टैटिकल टेस्ट्स को यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए जो होमोलोगस और एनोलोगस स्टेट्स के दरमियान, और मिनिमाइज करते हैं जो होमोपैलेसी का इम्पैक्ट है फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर. ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं अप्लीकेशन जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर होती हैं. सो अंडरस्टैंडिंग होमोलॉजी एंड मैपिंग फाइलोजेनी बेस्ड ऑन होमोलोगस
characters provide insights into the evolution history and diversification adaptive radiation of organisms. तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो हैं वो होमोलोगस ट्रेड से जनरेट होती हैं, जिस तरह के फ्रेमवर्क मतलब फ्रेमवर्क जनरेट होता है स्टडी करने के लिए एवोल्यूशनरी प्रोसेस की, बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स की, और इसके अलावा ये जो फ्रेमवर्क है जनरेट किया जाता है ओरिजिन्स जो हैं की ओरिजिन्स ऑफ द की इनोवेशन इन लाइफ, इनको स्टडी करने के लिए भी जो है ये मेथड वेरियस मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, सिस्टम्स जो है इसके लिए यानी कि मेथड्स जनरेट किया जाता है. सो जो होमोलॉजी है वो कंट्रीब्यूट करती है फाइलोजेनी को मैप करने के मैपिंग में के अंदर, और क्योंकि ये एविडेंस प्रोवाइड करती है शेयर्ड एंसेस्ट्री के लिए, और इससे साइंटिस्ट को ये इनेबल बनाती है कि उन्होंने किस तरह से एवोल्यूशन रिलेशनशिप को रिकंस्ट्रक्ट करना है ऑर्गेनिजम्स के अमंग, और ये जो है ऑर्गेनिजम्स के अमंग जो रिलेशनशिप एवोल्यूशन रिलेशनशिप रिकंस्ट्रक्ट होता है वो नेस्टेड हायरार्की सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर होता है. सो आइडेंटिफाई करके और होमोलॉजी स्टेट्स को एनालाइज करके रिसर्चर्स जो है वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन करते हैं एवोल्यूशन हिस्ट्री के अंदर, और इसके अलावा वो गेन कर सकते हैं जो वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बेस के ऊपर. नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर द वेरिड लाइफस्टाइल्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स एम्फसाइजिंग देयर रोल्स एज डिजीज एजेंट्स एंडोपैरासाइट्स एंड वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन. Assess the impact of these organisms on human health and ecosystems. So, unicellular जो eukaryotes होते हैं like protists है और कुछ fungi हैं या ये lead करते हैं various lifestyles को, mean के living freely से लेकर living freely भी रहते हैं और फिर parasites के तौर पर भी रहते हैं, और ये जो है जब parasites के तौर पर रहते हैं तो disease की वजह बनते हैं. सो हम यहाँ पर इनके लाइफस्टाइल्स और इनके इम्पैक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम्स के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इनके डिफरेंट लाइफस्टाइल्स को देखते हैं. सो कुछ जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर फ्रीली रहते हैं, लाइक एनवायरनमेंट जिस तरह से है सॉइल है वाटर है, और इसके अलावा पैरासाइट्स के तौर पर भी रहते हैं. सो इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम है और ये जो ट्राइपोनोसोमा है ये ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर जो है वो डिजीज की वजह बनते हैं. सो यहाँ पर कुछ एंडोपैरासाइट्स हैं जिस तरह टॉक्सोप्लाज्मा है वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म्स के इनसाइड रहता है, और इस ये जो है फिर उस ऑर्गेनिज्म्स के लिए मेन के होस्ट के लिए इन्फेक्शन क्रिएट करता है. इसी तरह जो एंडोपैरासाइट्स हैं ये सिग्निफिकेंट इम्पेक्ट रखते हैं होस्ट हेल्थ के ऊपर, मेन के ये सिम्टम्स की वजह बनते हैं जो कि जिनकी रेंज हो सकती है के माइल्ड डिसकम्फर्ट से लेकर सीवियर डिजीज की वजह बनती है, और हो सकता है कि जो होस्ट की डेथ की वजह भी बन जाए. सो ये इस तरह से पैरासाइट्स के तौर पर जब दे रहते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं होस्ट के ऊपर, और देन हम इसके इम्पैक्ट देखते हैं ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम्स के ऊपर. तो यूनिसेलुलर जो यूकेरियोट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम्स के लिए, जब ये प्रोड्यूस होते हैं डीकम्पोज होते हैं फिर ये न्यूट्रिएंट्स को भी फीड करते हैं, जिस तरह की कुछ एल्गी हैं ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स के अंदर, और इसके अलावा जो अदर्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में, मतलब कि उनको इनको न्यूट्रिएंट्स की को ईट करते हैं फिर इस तरह से रिसाइकल के अंदर हेल्प करते हैं. इसके अलावा जो है ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के अंदर भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो ओवरऑल अगर हम जो यूकेरियोट्स को देखें इसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो बिग इम्पैक्ट है इसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, मीन के डिजीज की वजह बनते हैं ये और इफेक्ट करते हैं टू मैनी पीपल्स ग्लोबली. इसके अलावा ये इकोसिस्टम्स के में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये फूड चेन्स को सपोर्ट करते हैं और न्यूट्रंट की साइकिलिंग के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं. सो जो डिसरप्शन है इनकी पॉपुलेशन में वो इफेक्ट कर सकते हैं इकोसिस्टम्स की हेल्थ के ऊपर और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर. सो जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं उनके लाइफस्टाइल्स मुख्तलिफ होती हैं और कम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी उनका हो सकता है ह्यूमंस के साथ और इकोसिस्टम्स के साथ. सो ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम्स की फंक्शनिंग के लिए. सम कैन आल्सो पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ. सो अंडरस्टैंडिंग देयर बायोलॉजी एंड इम्पैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग देयर रोल्स इन इकोसिस्टम्स एंड रिड्यूसिंग देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब द अर्ली एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स आल्सो
डिस्कस द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ ट्यूनिकेट्स, कॉर्डेट्स के जो है अर्ली एवोल्यूशन डिस्क्राइब करना है और इसके फंक्शनल एनाटॉमी बतानी है ट्यूनिकेट्स की। तो कॉर्डेट्स की जो अर्ली एवोल्यूशन है इसके प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर अगर हम देखते हैं तो कॉर्डेट्स जो है ये बिलोंग करते हैं एक ग्रुप से जिसको कॉर्डेटा कहा जाता है, जिसके अंदर एनिमल्स इंक्लूड होते हैं स्पेसिफिक फीचर्स के साथ, जिस तरह से नोटोकॉर्ड है या ड्रसल नर्व कॉर्ड है या फेरेंजियल स्लिट्स है और पोस्ट जो है इनर टेल है किसी पॉइंट के डेवलपमेंट के पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कॉर्डेट की डेवलपमेंट का। प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या है था कि कॉर्डेट्स जो है वो इवोल्व हुए एंशियंट ड्यूट्रोस्ट्रॉम क्रिएचर्स से ड्यूरिंग द एडिकेरियन पीरियड अराउंड अ लॉन्ग टाइम अगो। सो फॉसिल्स एविडेंस जो अर्ली कॉर्डेट्स के हैं वो इसके मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक के बारे में बताते हैं। कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी जो है वो सजेस्ट करती है कि कॉर्डेट्स के दरमियान क्लोज रिलेशन हैं और जो दूसरे ड्यूट्रोस्ट्रॉम हैं यानी कॉर्डेट्स और ड्यूट्रोस्ट्रॉम ग्रुप्स के दरमियान कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक क्लोज रिलेशन था। सो जिस तरह के गैनोडर्म्स हैं और हेमिकॉर्डेट्स हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो है इसे मार्क करते हैं उस पीरियड को जो कि रैपिड डाइवर्सिफिकेशन का होता है और जो एनिमल्स बॉडी की इमरजेंस है इसकी वो एनिमल बॉडी की प्लांट्स की इमरजेंस जिसमें कॉर्डेट्स भी इंक्लूड होते हैं। सो ये जो है उस एरा को उस पीरियड को जो है वो एक्सप्रेस करती है मीन जिसके अंदर रैपिड डाइवर्सिफिकेशन हुई और फॉसिल रिकॉर्ड जो है इस टाइम्स का वो इंक्लूड है उसमें अर्ली कॉर्डेट्स इंक्लूड हैं और इसके अलावा ये जो है डिस्प्ले करती है प्रिमिटिव कॉर्डेट फीचर्स को भी जैसा कि नोटोकॉर्ड उसका फीचर्स है और डर्सल नर्व कॉर्ड फीचर्स हैं। और अर्ली कॉर्डेट फीचर्स देखें तो अर्ली कॉर्डेट लाइकली जिस तरह से सिंपल फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कार्टिलेजिनस है नोटोकॉर्ड है जो कि और सपोर्ट करती है इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को और डर्सल नर्व कॉर्ड है जो कि न्यूरल सिग्नलिंग के तौर पर प्रोवाइड करती है। सो फेरेंजियल स्लिट्स जो है वो वेरियस फंक्शन सर्व करती है इसके अंदर जो एक ऑर्गन है और फिल्टर फीडिंग के तौर पर एड करती है रिस्पिरेशन के तौर पर फेरेंजियल स्लिट एड करती है और दैट इज लेटर इवॉल्व इनटू द पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रा जॉ एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम इसके फंक्शनल एनाटॉमी को देखते हैं। ट्यूनिकेट्स की फंक्शनल एनाटॉमी क्या थी। क्या ट्यूनिकेट्स को जो है सी स्क्वेयर्स भी कहते हैं जो कि सब फाइलम यू कॉर्डेटा का ये पार्ट है और विद इन द फाइलम कॉर्डेटा। सो जो एडल्ट ट्यूनिकेट्स हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं अगर हम उसको देखें टिपिकल कॉर्डेट के साथ कंपेयर करें तो। सो ये एग्जिबिट करते हैं कॉर्डेट केनेटोसिस को ड्यूरिंग देयर लार्वा स्टेज। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके फंक्शनल एनाटॉमी को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले इनके बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ट्यूनिकेट्स जो हैं इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल है और कवर्ड होती है टॉप आउटर लेयर से जिसको ट्यूनिक कहते हैं and their body consists of large pharyngeal basket containing pharyngeal slits and that is used for filter feeding muscular sac that pump water through the pharynx. ठीक है, इस तरह से इनकी बॉडी वर्क करती है कि लार्ज pharyngeal basket के ऊपर consist है और जिसके अंदर pharyngeal slits हैं और ये filter feeding के लिए use होते हैं और जो muscular sac है ये water को pump करते हैं pharynx के through. Next है इसका part feeding का mechanism. ट्यूनिकेट्स जो हैं वो फिल्टर फीडर्स हैं ये फेरेंजियल स्लिट्स को यूज करते हैं और एक म्यूकस नेट कैप्चर करने के लिए टीनी ऑर्गेनिजम्स को जो और पार्टिकल्स को ये वाटर से इस तरह से कैप्चर करते हैं और जो सिला है जो कि फेरेंजियल स्लिट के साथ मौजूद होता है वो एक करंट क्रिएट करता है जो कि वाटर को उनके फेरेंस के अंदर लाता है। सो फूड पार्टिकल इस तरह से उनके म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं और फिर उनके एसोफेगस में के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह से ट्यूनिकेट्स का जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो वर्क। नेक्स्ट हम इसका नोटोकॉर्ड और एम्प्रिहेंसिव सिस्टम देखते हैं। नोटोकॉर्ड और इसका जो नर्वस सिस्टम है तो ट्यूनिकेट्स के जो है लार्वा स्टेज को टेडपोल लार्वा भी कहा जाता है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड भी मौजूद होती है डार्सल नर्व कॉर्ड भी मौजूद होता है पोस्ट एनल टेल भी एग्जिस्ट करती है और जो कि टिपिकली इनके कॉर्डेट्स होते हैं तो इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन into the sessile adult form. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब हो जाती है जब ये sessile adult form के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती और ये एक इस तरह से इनका एक सिंपल नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट हम इनका जो है रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो ट्यूनिकेट्स जो हैं वो हर्मोफोरेडेटिक हैं मीन के इसके अंदर बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हैं
और फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नली इनके अंदर होती है, जिसके अंदर स्पर्म जो है रिलीज होता है वाटर के अंदर, और फिर जो नियर बाय एग्स होते हैं उसके साथ उसको फर्टिलाइज कर देता है। सो ओटोनिकर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिल्टर फीडर के तौर पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रेंट को की साइक्लिंग में, और प्राइमरी प्रोडक्टिव मेरीन इकोसिस्टम्स के में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो एडल्ट इनकी मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट अपेयर हो सकती है कॉर्डेट्स के साथ अगर इनको कंपेयर करें, और इनकी लार्वल स्टेज जो है वो प्रोवाइड्स करती है इनसाइट इनटू द एवोल्यूशन रिलेशनशिप, और इसके साथ साथ जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉर्डेट्स की वो भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ मोलस्का बॉडी प्लान, सब्सिक्वेंटली एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन ऑन मोलस्का ग्रोथ एंड हार्वेस्ट। तो मोलस्का की जो बॉडी है इसका बॉडी प्लान देखें तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं अमंग मेंबर्स ऑफ द फाइलम मोलस्का। सो मोलस्का जो है ये इनवर्टिब्रेट्स का डाइवर्स ग्रुप है जिसके अंदर फेमिलर क्रिएचर्स इंक्लूड होते हैं लाइक स्नेल्स हैं, स्क्विड्स हैं, जो ऑक्टोपसिस हैं। सो यहाँ हम उसके मोलस्का के जो है बॉडी प्लान के इंपॉर्टेंट जो मेन फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके की एलिमेंट्स देखते हैं मोलस्का बॉडी प्लान के, वो है सॉफ्ट बॉडी। तो मोलस्का की जो है वो सॉफ्ट बॉडीज होते हैं और इनक्लोज होते हैं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जिसको मेंटल कहते हैं, और मेंटल जो है वो एक कैल्शियम कार्बोनेट शेल सीक्रेट करता है कई स्पीशीज के अंदर जिसमें कुछ मोलस्का लाइक स्लग है, ऑक्टोपसिस है, लेकिन इनके अंदर जो है एक्सटर्नल शेल मौजूद नहीं होता। सो मेंटल जो है एक थिन लेयर होती है, और ये जो मेंटल लेयर है ये टिश्यू कवरिंग है, मीन के थिन लेयर है टिश्यूज की जो कि बॉडी को इनके बॉडी को कवर करती है और शेल सीक्रेट करती है जिसको शेल्ड मोलस्का कहते हैं। और जो शेल है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस ऑर्गेनिजम्स को अगेंस्ट प्रीडेटर्स और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो कि ये जो है शेप के अंदर भी डिफरेंट हो सकते हैं, मीन के साइज के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, और अमंग डिफरेंट मोलस्का स्पीशीज। एंड देन हम इसके स्ट्रक्चर फूड को डिस्क्राइब करते हैं, तो जो मोलस्का है उसके अंदर मस्कुलर फूड होते हैं जो कि लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं, और अटैचमेंट के लिए मोलस्का इनको यूज करते हैं और बर्रोइंग के लिए भी यूज करते हैं। सो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है फूड का वो वाइडली हो सकता है अमंग मोलस्क ग्रुप्स, सो फ्रॉम क्रॉलिंग इन गैस्ट्रोपोड्स टू जेट प्रोपल्शन इन सेफेलोपोड्स। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर में डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम रेडुला को डिस्कस करते हैं, तो मैनी जो मोलस्का हैं उनके अंदर फीडिंग स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको रेडुला कहा जाता है, और ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कवर्ड होती है मीन के रोज ऑफ स्मॉल टीथ के साथ। सो रेडुला जो है ये यूज होती है स्क्रैपिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए इसको ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, और फूड पार्टिकल्स की पार्सिंग के लिए यूज करते हैं। सो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करती है इसकी फीडिंग हैबिट्स के ऊपर, यानी मोलस्का स्पीशीज की फीडिंग हैबिट्स किस तरह से है, किस तरह की होती हैं, तो इसकी रेडुला की स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनती है। नेक्स्ट हम विजरल मास को देखते हैं, तो विजरल मास जो है इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं मोलस्का के जिसके अंदर डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इंक्लूड होता है, एंड दैट इज लोकेटेड अबव द फूट एंड इट इज सराउंडेड बाय द मेंटल कैविटी व्हिच हाउसेस द गिल्स और लंग्स फॉर रिस्पिरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल और मॉनेटरी इफेक्ट सी फर्मेंटेशन का मोलस्का के ऊपर। ओशन जो एसिडिफिकेशन है वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन की वजह से होती है सी वाटर में, सो सिग्निफिकेंट ये इम्पैक्ट रखती है मेरीन इकोसिस्टम्स के ऊपर जिसके अंदर मोलस्का भी इंक्लूड होते हैं। सो हम देखेंगे कि ओशन एसिडिफिकेशन किस तरह से इफेक्ट करती है मोलस्का की ग्रोथ के ऊपर और हार्वेस्ट के ऊपर, सो विद इम्प्लीकेशन फॉर बोथ इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम शेल फार्मेशन को देखते हैं, तो मोलस्का जो है इसमें कैलकेरियस शेल्स पाए जाते हैं जिस तरह से ऑयस्टर्स हैं या मसल्स हैं, तो ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल हैं ओशन एसिडिफिकेशन के लिए। तो जो एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो रिड्यूस कर सकता है कार्बोनेट आइंस की अवेलेबिलिटी को सी वाटर के अंदर, एंड मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर मोलस्का टू बिल्ड एंड मेंटेन देयर शेल्स। सो शेल्स की जो डिसोल्यूशन है या वीकनिंग है वो इंक्रीज कर सकते हैं प्रीडेशन की सस्टेनेबिलिटी को, और इसके अलावा जो
डिजीजेज हैं उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, उसके चांसेस को इंक्रीज कर सकती है। इस तरह इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं उसको भी इंक्रीज कर सकती है और इम्पैक्ट कर सकती है मोलस्क के सर्वाइवल के ऊपर और पॉपुलेशन डायनेमिक्स के ऊपर। इस तरह से जो यानी कि शेल्स की वीकनिंग है वो इफेक्ट कर सकती है और प्रीडेशन और डिजीज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वगैरह के चांसेस को इंक्रीज कर सकती है इनकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं तो ओशन ऑसिडिफिकेशन जो है वो फिजियोलॉजी के ऊपर भी इफेक्ट करती है, मोलस्क के बिहेवियर के ऊपर भी इफेक्ट करती है, जिसमें के अंदर उनका ग्रोथ रेट्स इंक्लूड होती है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस है या मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, तो इन सब के ऊपर ओशन की एसिडिफिकेशन इफेक्ट करती है। तो सी वाटर केमिस्ट्री के अंदर जो चेंजेस आते हैं मीन के जैसा कि पीएच का रिड्यूस हो जाना या कार्बोनेट सेचुरेशन लेवल्स का रिड्यूस हो जाना, तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है, लाइक कैल्सिफिकेशन को, एसिड बेस बैलेंस को और एंजाइम एक्टिविटी को जो कि मोलस्क के अंदर होते हैं। सो नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन को देखते हैं तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन को भी अल्टर कर सकती है और फूड वेब जो कि इन्वॉल्व होते हैं मोलस्क के अंदर इस वो भी चेंज हो सकते हैं। सो पोटेंशियल रिपल जो है इफेक्ट करती है मेरीन बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम फंक्शंस के ऊपर। सो चेंजेस जो आते हैं अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोलस्क पॉपुलेशन दैट कैन इंपैक्ट अदर ऑर्गेनिजम्स दैट रिले ऑन देम फॉर फूड हैबिटेट और इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है, मोलस्क का जो है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होता है एक्वा कल्चर के अंदर, फिशरीज के अंदर, कोस्टल कम्युनिटीज में जो कि फूड जॉब्स और कल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। सो जो ओशन एसिडिफिकेशन रिलेटेड जो है ये डिक्लाइंस होते हैं मोलस्क पॉपुलेशन के अंदर। सो इसके अगर डिक्लाइन किया जाता है तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जो हैं वो कमर्शियल शेलफिश इंडस्ट्रीज और वेरियस फिशरीज को इम्प्रूव कर सकता है और ये इम्पेक्ट इसके अलावा ये इफेक्ट करता है जो इनकम होते हैं एम्प्लॉयमेंट की और फूड सिक्योरिटी की कोस्टल रीजन के अंदर। सो ओशन के जो है एसिडिफिकेशन को रिड्यूस करके इन तमाम सोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो जो ओशन एसिडिफिकेशन है ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पोज करती है मोलस्का के ऊपर जो कि इनकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करते हैं, सर्वाइवल के ऊपर और इकोलॉजिकल इंट्रक्शंस के ऊपर इफेक्ट करती है। सो अंडरस्टैंड करना इसकी इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट को जो ओशन एसिडिफिकेशन का मोलस्का के ऊपर होता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि ताकि इसकी मिटिगेट इसी के इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए जो है स्ट्रेटजीज डिवेलप की जाए और प्रमोट किया जाए रिजिलियंस को मेरीन इकोसिस्टम्स और इसके अलावा जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं। इस तरह से जो है ओशन एसिडिफिकेशन को रिड्यूस करके एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन एंडोक्राइन फंक्शंस इन वर्टिब्रेट्स एंड फर्दर मोर एक्सप्लेन हाउ द पीनल ग्लैंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेट्स सर्कैडियन एंड एनुअल रिदम्स इन एनिमल्स। तो हाइपोथैलेमस और पाइनल ग्लैंड जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्मोन्स फंक्शंस को कंट्रोल करने में और डेली और सीजनल रिदम जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं इसको मेंटेन करने में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इनका रोल देखते हैं और कैसे ये टुगेदर वर्क करते हैं, रेगुलेट करते हैं बायोलॉजिकल साइकिल्स को। सो रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन हार्मोन फंक्शन, तो हाइपोथैलेमस जो है वो की सेंट्रल सेंटर है ब्रेन के अंदर जो कि रिसीव करता है सिग्नल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम एंड रेगुलेट्स द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट डज दिस बाय प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन्स दैट एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और जो कि कंट्रोल्स करता है फिर वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को थ्रू आउट द बॉडी। सो यहाँ पर हम मेन फंक्शन देखेंगे हाइपोथैलेमस के हार्मोन रेगुलेशन के अंदर, हार्मोन की प्रोडक्शन और रिलीज को देखते हैं हम, हार्मोन की क्रिएशन एंड रिलीज। सो हाइपोथैलेमस जो है ये प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है और इनहिबिट करता है हार्मोन्स को एंड दैट कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो फॉर एग्जांपल जैसे हार्मोन्स है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके अलावा कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, इन तमाम हार्मोन्स को जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। और नेक्स्ट हम डायरेक्ट कंट्रोल थ्रू बैक पिट्यूटरी देखते हैं, तो हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्योंकि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है लाइक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है या वैसोप्रेसिन हार्मोन है मीन के एडीएच हार्मोन। ये जो एडीएच हार्मोन है ये डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होता है और ऑक्सीटोसिन जो है ये इन्वॉल्व होता है अदर प्रोसेस के अंदर भी जिसके जिस तरह के चाइल्ड बर्थ है या लैक्टेशन का प्रोसेस है
जबकि वैसोप्रेसिन जो है ये रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को और ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट हम रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस देखते हैं, तो हाइपोथैलेमस जो है वो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, क्योंकि ये मेंटेन करता है, रेगुलेट बनाता है वेरियस ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, जिस वजह से बॉडी का टेम्परेचर है या हंगर है, थ्रिस्ट है और सर्कैडियन रिदम्स है, इनको जो है मेंटेन करके इस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, इन फंक्शंस को रेगुलेट बनाता है। सो इट रिसीव्स एन इंटीग्रेटेड सेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड देन रिस्पॉन्ड बाय एडजस्टिंग एंडोक्राइन एंड ऑटोनॉमिक आउटपुट्स। ठीक है, और नेक्स्ट हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स देखते हैं, तो स्ट्रेस के दौरान जो है हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को, क्योंकि ये CRH रिलीज करता है और जो कि स्टिमुलेट करता है फिर एंटेरियर पिट्यूटरी को, इससे फिर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होता है, मीन ACTH, ACTH फिर स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, और एक ये जो है एक की स्ट्रेस हार्मोन है। इस तरह से जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है वो वर्क करता है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ द पिनल ग्लैंड इन रेगुलेटिंग रिदम, तो पिनल ग्लैंड जो है एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती हैं, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेली और सीजनल रिदम को जो कि एनिमल्स के अंदर होते हैं। सो यहाँ हम इसकी प्रोडक्शन देखेंगे हार्मोन मेलाटोनिन की, मेलाटोनिन जो प्रोडक्शन है इसके पिनल ग्लैंड सिंथेसाइज और सीक्रेट करते हैं मेलाटोनिन को, एक हार्मोन है जो कि रेगुलेट बनाता है स्लीप वेक साइकिल्स को और सीजनल बायोलॉजिकल रिदम्स को। सो मेलाटोनिन जो प्रोडक्शन है वो इन्फ्लुएंस जिनके इन्फ्लुएंस होती है लाइट डार्क साइकिल से, विद लेवल्स पीकिंग एट नाइट एंड डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द डे, इस तरह से जो है ये इफेक्टेड होती है। सर्केडियन रिदम देखते हैं, मेलाटोनिन सनराइज करती है सर्केडियन रिदम्स को अप्रोक्सीमेटली 24 आवर साइकिल एंड दैट कंट्रोल वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग स्लीप फीडिंग एंड हार्मोन प्रोडक्शन। तो जो SCN न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस का, ये सेंट्रल सर्केडियन क्लॉक के तौर पर एक्ट करता है और लाइट इंफॉर्मेशन रिसीव करता है रेटिना से और मॉड्यूलेट करते हैं मेलाटोनिन सीक्रेशन को पाइनल ग्लैंड से। सो हाई मेलाटोनिन लेवल जो है वो नाइट नाइट में जो है प्रमोट करता है स्लीप को और रेगुलेट करता है दूसरे सर्केडियन रिदम्स को, वाइल लो लेवल जो है ड्यूरिंग द डे ये सपोर्ट करता है वेकफुलनेस को और अल्टनेस को। नेक्स्ट हम इसका एनुअल रिदम देखते हैं, मीन के सीजनल रिदम, तो मेलाटोनिन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रेगुलेट करने में सीजनल रिदम्स को, जो कि पीरियडिक चेंजेस हैं फिजियोलॉजी और बिहेवियर के अंदर, मीन के जिस तरह के रिप्रोडक्शन है, माइग्रेशन है और हाइबरनेशन है, इन इसके अंदर क्या है पीरियडिक चेंजेस होते हैं इनकी फिजियोलॉजी और बिहेवियर में। सो ड्यूरेशन जो है मेलाटोनिन की वो रिलीज कर रिलीज जो इनके रिलीजिंग की जो है ड्यूरेशन वो मुख्तलिफ होती है विद द लेंथ ऑफ द नाइट एंड दैट प्रोवाइडिंग एनिमल्स विद अ फोटोपीरियडिक सिग्नल्स दैट हेल्प देम अडॉप्ट टू सीजनल चेंजेस। ठीक है, और सो मेनी स्पीशीज के अंदर जो लॉन्गर नाइट्स होती हैं और हायर मेलाटोनिन लेवल्स होता है विंटर के अंदर, वो ट्राई क्या करता है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस को फॉर कोल्ड वेदर, वाइल शॉर्टर नाइट और लोअर जो मेलाटोनिन लेवल्स है और समर के अंदर वो प्रिपेयर करता है एनिमल्स को वार्मर कंडीशंस के लिए और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए। तो इस तरह से जो मेलाटोनिन है वो सीजनल रिदम के अंदर अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथैलेमस और पिनल ग्लैंड जो है वो इंटरेक्ट करते हैं रेगुलर सर्कैडियन और सीजनल रिदम्स के साथ और ओकेजनल रिदम्स के साथ, तो SCN जो है ये हाइपोथैलेमस के अंदर लोकेटेड होता है। सो और ये इनपुट रिसीव करता है रेटिना से अबाउट द लाइट डार्क साइकिल एंड कम्युनिकेट्स करता है इस इंफॉर्मेशन को पिनल ग्लैंड में। फिर SCN जो है वो इन्फ्लुएंस करता है और मेलाटोनिन की सिंथेसिस के ऊपर और उसकी रिलीज होने के प्रोसेस के ऊपर, सो जो कि पिनल ग्लैंड से रिलीज होता है मॉड्यूलेट करके सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटीज को जो कि इनर्वेट करती हैं ग्लैंड को। सो इस पाथवे से जो हाइपोथैलेमस है वो हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में डेली और सीजनल फिजियोलॉजिकल रिदम्स को जो के रिस्पॉन्स में ये रिदम्स होते हैं एनवायरमेंटल लाइट की यूज के। सो हाइपोथैलेमस जो है एक सेंट्रल रेगुलेटरी सेंटर है जो कि कोऑर्डिनेट्स करता है ब्रेन और हार्मोन फंक्शंस के साथ मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस को और रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस को। सो जबकि जो पाइनल ग्लैंड होते हैं वो रेगुलेट्स करते हैं सर्केडियन और सीजनल रिदम्स को मेलाटोनिन प्रोडक्शन हारमोन के जरिए,
सो दीज मैकेनिज्म्स जो हैं ये इंश्योर करते हैं कि वर्टिब्रेट्स अडॉप्ट कर सकते हैं बोथ डेली एंड सीजनल एनवायरमेंटल चेंजेस को. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं की डिस्कस द की पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनियन एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड एनालाइज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन रीशेपिंग द एवोल्यूशनरी थ्योरी. सो डार्विन थ्योरी एवोल्यूशन जो है बाय नेचुरल सिलेक्शन इसकी ये आउटलाइन है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जो कि सिविल की आइडियाज की बेस के ऊपर था और इसको 1859 में जो है जो डार्विन ने इसको पब्लिश किया था. सो हम इसके अंदर जो है वो वेरिएशन देखते हैं तो इंडिविजुअल जो है स्पीशीज के अंदर डिफरेंट फिजिकल ट्रेट्स और बिहेवियर्स रखते हैं. सो ये जो डिफरेंसेस हैं ये पास्ट हो सकते हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर और ओवर प्रोडक्शन के है ऑर्गेनिज्म जो है मोर स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं देन कैन सर्वाइव लीडिंग टू कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज लाइक फूड शेल्टर एंड मेट्स. नेक्स्ट हम इनके देखते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. सो ओवर प्रोडक्शन और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से यहाँ पर स्ट्रगल पाई जाती है सर्वाइवल के लिए अमंग इंडिविजुअल. सो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्प्रिंग का ही सर्वाइव कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है इस ओवर प्रोडक्शन में. देन हम डिफरेंट जो है एंडोरेंस और रिप्रोडक्शन को देखते हैं मीन सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को. सो इंडिविजुअल जो है जिनके अंदर ट्रेड्स होती हैं और वो एडवांटेज देते हैं इन्वायरमेंट को आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. सो दीज जो एडवांटेजेस हैं ये ट्रेड्स ये मोर कॉमन होती हैं पॉपुलेशन के साथ कॉमन होती जाती हैं ओवर टाइम. सो रिसेंट विद मॉडिफिकेशन क्या है ओवर टाइम जो अकोमोलेशन है बेनिफिशियल ट्रेड्स की वो फिर ग्रेजुअल चेंजेस की तरफ लेकर जाती है स्पीशीज में. सो दिस प्रोसेस कैन एवरेजली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. तो इसके नतीजे में जो है न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो सकती है. नेक्स्ट हम देखते हैं कमिटमेंट्स ऑफ मेंडेलियन हेरिडिटरी क्वालिटीज. तो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है ये डिवेलप की ग्रिगोर मेंडल ने जिसने जेनेटिक बेसिस प्रोवाइड किया फॉर द हेरिटेबल वेरिएशन दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन. सो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस क्या है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये अलग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ट्रेड्स जो हैं वो इनहेरिटेड होते हैं एट डिस्क्रीट यूनिट्स के तौर पर या जीन्स के तौर पर. सो दिस क्लैरिफाइड हाउ ट्रेड्स आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. नेक्स्ट हम इनके जेनेटिक वेरिएशन को देखते हैं तो मेंडल्स वर्क जो है वो एलुडिकेट हुआ कि कैसे एलुडिकेट करते हैं कैसे जेनेटिक वेरिएशन जो हैं वो मेंटेन होती हैं पॉपुलेशंस के अंदर थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स. सो दिस एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस विच वुड थियोरेटिकली रिड्यूस वेरिएशन ओवर टाइम. और पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स की इंटीग्रेशन जो है डार्विनियन एवोल्यूशंस के साथ दैट लीड टू द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो कि स्टडी करती है जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस की एंड इट चेंजेस एंड हाउ इट चेंजेस ओवर टाइम. सो दिस प्रोवाइड्स अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क ताकि जो अंडरस्टैंड किया जा सके एवोल्यूशन को. सो नेक्स्ट हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं जो कि डेवलप हुई 20th century के अंदर एंड फर्दर एडवांस्ड एवोल्यूशनरी थ्योरी ये जो थ्योरी है फर्दर एडवांस हुई बाय लिंकिंग जीन्स टू क्रोमोसोम. ठीक है जब जीन्स जो है कि लिंकिंग हुई क्रोमोसोम्स के साथ तो मजीद ये जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है इसके अंदर एडवांसमेंट क्रिएट हुई. नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं जेनेटिक लिंकेज और रिकम्बिनेशन का. सो अंडरस्टैंडिंग दैट जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स कैन बी लिंक्ड बट आल्सो कैन रिकम्बाइन ड्यूरिंग मियोसिस. ठीक है ये क्या है कि जीन्स जो हैं सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं वो लिंक्ड हो सकते हैं लेकिन ये रिकम्बाइन होते हैं मियोसिस के दौरान और ये एक्सप्लेन करते ऑब्जर्व दैट इनहेरिटेंस पैटर्न जो है ट्रेड्स का जो कि सिंपल मेंडेलियन रेशोज को फॉलो नहीं करता. सो दिस जो रिकॉम्बिनेशन है कंट्रीब्यूट्स करती है जेनेटिक वेरिएशन के अंदर. सो मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस को अगर हम देखते हैं तो जो कि न्यू डार्विनिज्म है ये न्यू डार्विनिज्म जो है कंबाइन करता है डार्विन थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन की मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ और इसके साथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के साथ भी इसको मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस जो है या न्यू डार्विनिज्म कंबाइन करता है. सो नेक्स्ट हम इसके नेचुरल सिलेक्शन और जो जेनेटिक्स है इसको देखते हैं तो नेचुरल चॉइस और हेरिडिटरी वेरिएशन क्या है. एवोल्यूशन जो नेचुरल सिलेक्शन जिसको ड्राइव करती है वो जेनेटिक वेरिएशंस के ऊपर एक्ट करता है विद इन पॉपुलेशन.
और जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं ये अराइज होते हैं म्यूटेशंस की वजह से, जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से और जीन फ्लो की वजह से। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है के जो सिंथेसाइज इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एलील्स फ्रीक्वेंसीज चेंज ओवर टाइम, के एलील फ्रीक्वेंसीज किस तरह से टाइम के साथ चेंज होते हैं नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, और ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स बताते हैं, और जेनेटिक्स ड्रिफ्ट म्यूटेशन और जीन फ्लो किस तरह से इन एलील फ्रीक्वेंसीज के अंदर आती हैं। और नेक्स्ट है स्पेसिएशन का प्रोसेस को, जो स्पेसिएशन का प्रोसेस है या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इसको कह सकते हैं, दैट इज अंडरस्टूड एज द अकुमुलेशन ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशंस। ठीक है, ये जो पॉपुलेशंस के दरमियान जेनेटिक डिफरेंसेस को अकुमुलेट करते हैं और जिसको नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो ड्राइव करते हैं। और नेक्स्ट हम जो है देखते हैं अपना यूनिफाइड फ्रेमवर्क को, तो यूनिफाइड फ्रेमवर्क क्या है, मॉडर्न सिंथेसिस जो है वो प्रोवाइड करते हैं यूनिफाइड फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करने के लिए एवोल्यूशन के मैकेनिज्म को फ्रॉम द मॉलिक्यूलर लेवल मीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स टू द लेवल ऑफ पॉपुलेशंस एंड स्पीशीज। सो मेंडेलियन जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रोवाइड करती है मिसिंग पीसीज जो कि जिनकी जरूरत होती है अंडरस्टैंड करने के लिए मैकेनिज्म को जो कि अंडर डार्विन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंडर लाइंग है। सो ये जो कंट्रीब्यूशन हैं ये एवोल्यूशनरी थ्योरी को रीशेप्ड करते हैं और कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस का। तो ये जो सिंथेसिस हैं ये इंडिकेट्स करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एवोल्यूशन को थ्रू द इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस हेरिडिटी एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन रेगुलेटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस एंड आल्सो आउटलाइन द टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटीज इन ईच डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेगमेंट एंड द कंट्रोलिंग फैक्टर्स फॉर ईच। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये रेगुलेट बनाया जाता है कम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर से जिसके अंदर नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है, हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं, लोकल सिग्नल्स इंक्लूड होते हैं। सो ये जो फैक्टर्स हैं ये इंश्योर करते हैं फूड की प्रोसेसिंग को कि फूड प्रॉपरली प्रोसेस होती है, न्यूट्रंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वेस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। सो यहाँ पर इनकी मेन रेगुलेटरी फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं और इनकी जो मूवमेंट्स हैं की टाइप्स हैं हर पार्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम के हर पार्ट के अंदर अलोंग विद व्हाट कंट्रोल देम इसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इन फैक्टर्स को देखते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस को। तो उसमें पहले न्यूरल रेगुलेशन आती है, तो जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसको ब्रेन ऑफ द गट भी कहते हैं। तो ये जो ENS नेटवर्क है ये न्यूरॉन्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल्स के अंदर ये इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करता है मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डाइजेशन को जिसके अंदर मूवमेंट और सीक्रेशन इंक्लूड है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक पार्ट जो ENS का है ये रेगुलेट करता है डाइजेस्टिव एक्टिविटीज को, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये जनरली इन्हेंस करता है डाइजेशन को जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ये इसको इनहिबिट करता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके हार्मोनल रेगुलेशन को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स जो है जिस तरह के सीवरल हार्मोन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेट करने में डाइजेस्टिव फंक्शंस को, जिनके अंदर गैस्ट्रिन आता है, गैस्ट्रिन जो है स्टिमुलेट करता है स्टमिक एसिड सीक्रेशन को और इसके अलावा स्टमिक की मोटेलिटी को, और उसके बाद CCK है यानी कि कह लो सिस्टोकिनिन हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की रिलीज को जो कि पैंक्रीज से रिलीज होता है और जिनके लीवर से बाइल से रिलीज होता है फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, और ये क्या करते हैं स्लोज करते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। और इसके अलावा जो सीक्रेशन हार्मोन है सीक्रेटिन है ये क्या किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं कि ये स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट सीक्रेशन को फ्रॉम द पैंक्रीज टू न्यूट्रलाइज स्टमिक एसिड इन ड्यूडिनम, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी जो पेप्टाइड है GIP ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी और सीक्रेशन जो है ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन रिलीज को। और उसके बाद है मोटिलिन क्या करता है रेगुलेट करता है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स को ड्यूरिंग जो है वो फास्टिंग ये रेगुलेट बनाता है। नेक्स्ट हम लोकल फैक्टर्स देखते हैं, तो इसमें पैराक्राइन सिग्नलिंग है जो लोकल रिलीज है सब्सटेंसेस का जिस तरह हिस्टामिन है सेरोटोनिन है या प्रोस्टाग्लैंडिन है ये नियर बाय सेल्स और टिश्यूज के ऊपर फैक्ट करते हैं और डाइजेशन को रेगुलेट बनाते हैं, और मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई तो प्रेजेंस और कंपोजिशन जो है फूड की वो स्टिमुलेट करती है लोकल रिफ्लेक्सेस को हार्मोन की रिलीज को और डाइजेस्टिव एक्टिविटी को अकॉर्डिंगली अल्टरनेट करती है।
देन हम इसकी टाइप्स को देखते हैं, काइंड्स को देखते हैं, जो कि हैं मोर्टेलिटी की एवरी गैस्ट्रोनल सिस्टम सेक्शन के अंदर उनकी कंट्रोलिंग वेरिएबल्स को देखते हैं। सो मैकेनिकल और केमिकल जो स्टिमुलाई हैं इसके जो गैस्ट्रोनल ट्रैक्ट सेगमेंट और इनके कंट्रोलिंग फैक्टर्स है उसमें माउथ और एसोफेगस आते हैं, मीन के मेस्टिकेशन। तो वॉलंटरी एक्शन जो है इनका कंट्रोल होता है वो स्केलेटल मसल्स के जरिए कंट्रोल होता है, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और स्वेलिंग का इनके अंदर जो प्रोसेस होता है यानी कि रेगुलेशन का तो इनिशिएट करते हैं ये वॉलंटरी को, बट कंट्रोल करते हैं ये रिफ्लेक्सिटी को मेडुला ओब्लिगेंटा। देन हम स्टमिक को देखते हैं कि स्टमिक किस तरह से इसके अंदर वर्क करता है। पेरिस्टाल्सिस क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है जो कि मिक्स करती है फूड को गैस्ट्रिक जूसेस के साथ और फिर इस काइम को प्रोपेल करती है टुवर्ड द पाइलोरस, और ये ईएनएस को ईएनएसिस को कंट्रोल करता है और मॉड्यूलेट करता है इसको वेगल इनपुट यानी पैरासिम्पैथेटिक। और देन हम इसकी गैस्ट्रिक एम्पिटाइंग देखते हैं, तो ये कंट्रोल होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो कि इन्फ्लुएंस होता है ब्रेन और हार्मोनल सिग्नल से, मीन जिसमें गैस्ट्रिन हार्मोन्स हैं या सीक्रेटरी हार्मोन्स इंक्लूड है। और नेक्स्ट हम इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के ऑर्गन को देखते हैं, तो सेगमेंटेशन यानी लोकलाइज कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मिक्स करती है काइम को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ और इनहेंस करती है न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन को, और ये ईएनएस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है और दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स लाइक सीसीके एंड मोटिलिन। तो नेक्स्ट हम इसके पेरिस्टाल्सिस को देखते हैं, तो कोऑर्डिनेट वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन जो है होती है जिसको पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, ये प्रोपेल करती है कंटेंट्स को टुवर्ड कोलन और रेगुलेटेड होती है ईएनएस सिस्टम के जरिए और एडजस्टेड होती है ऑटोनॉमिक इनपुट के जरिए। तो नेक्स्ट जो है हम इनके लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं, तो सेगमेंटल मूवमेंट जो है वो मिक्स करती है और प्रपेल करती है फीसिस को और ये ईएनएस सिस्टम के लोकल ईएनएस सिस्टम के जरिए रिफ्लेक्सेस के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है, और जो मास मूवमेंट्स है वेव्स जो हैं ये मूव कराती हैं वेस्ट मटीरियल्स को टुवर्ड द रेक्टम, और इसको गैस्ट्रोकोलिक और इसके अलावा ड्यूडेनोकोलिक रिफ्लेक्सेस जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं और दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इसका रेक्टम और एनस देखते हैं, तो ये इनिशिएट होता है जिनका डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टल वॉल से और इन्वॉल्व होता है ये इंटरनल और स्फिंक्टर के मसल्स के जो है रिलैक्सेशन के अंदर, जिनके ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है जिसको ईएनएस और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स करते हैं, और जो वॉलेंट्री कंट्रोल है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का उसके अंदर स्केलेटल मसल्स इंक्लूड होते हैं। देन हम देखते हैं कंट्रोलिंग एलिमेंट्स फॉर ईच फ्रेगमेंट, तो ब्रेन कंट्रोल इसमें आता है, ईएनएस प्रोवाइड करता है इंट्रिंसिक कंट्रोल विद ईएनएस यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस जो कि प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन, और हार्मोनल कंट्रोल क्या है हार्मोन्स लाइक जैसे गैस्ट्रिक है सीसीके है सीक्रेटन और मोटिलिन है, ये रेगुलेट्स करते हैं वेरियस डाइजेस्टिव प्रोसेस को जिसके अंदर मोटिलिटी और सीक्रेशन इंक्लूड है। नेक्स्ट मैकेनिकल और कंपाउंड स्टिमुलाई है, तो जो फूड के प्रेसेंस पीएच और ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जो कि ट्राइगर करते हैं लोकल और सिस्टमेटिक रिफ्लेक्सेस को और ये मॉडिफाई करते हैं डाइजेस्टिव फंक्शंस को। सो जो रेगुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के आज हमने स्टडी की इसके जो फंक्शंस है वो इन्वॉल्व होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सचेंज ऑफ ब्रेन में हार्मोनल और लोकल कंट्रोल्स के अंदर और इंश्योर करते हैं एफिशिएंट प्रोसेसिंग और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। सो डिफरेंट सेगमेंट्स जो गैस्ट्रोनल ट्रैक्ट के हैं वो एग्जिबिट करते हैं स्पेसिफिक टाइप्स मूवमेंट्स और ईच जो है इसको कंट्रोल किया जाता है एक डिफरेंट लेकिन इंटर रिलेटेड फैक्टर्स के जरिए। सो आज हमने जो CSS पेपर पैथोलॉजी का 2024 उसको हमने डिटेल्स के साथ इनके तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया है।